हे गाइस, वेलकम टू बैक अवर न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि इन्फिनिक्स ने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, और गाइस इन्फिनिक्स कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है और उसके बारे में हम ना बताएं। गाइस, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे इस चैनल से सबसे ज़्यादा जो लोग जुड़े हुए हैं वो इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन लिए हुए हैं, ठीक है। इसलिए गाइस, इन्फिनिक्स ने जो नया स्मार्टफोन लॉन्च किया गाइस, उसका नाम है इन्फिनिक्स GT20 Pro 5G फोन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 2023 में इन्फिनिक्स ने GT10 Pro को लॉन्च किया था, लेकिन इस बार 2024 को ये सुन लीजिए कि इंडिया में 21 मई को ये इन्फिनिक्स GT20 Pro लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस, अगर आप खोज में थे गेमिंग स्मार्टफोन के, तो आपकी ये खोज पूरी होती है और इन्फिनिक्स ने आपके लिए गेमिंग फोन लॉन्च कर दिया। जी हाँ गाइस, ये गेमिंग स्मार्टफोन है। अब जानते हैं हम क्या इसमें फीचर्स ऐसे दिए गए हैं जिसकी वजह से आप इसको ले सकते हैं। गाइस, इन्फिनिक्स के GT में बैक पैनल में कुछ अलग ही डिजाइन होता है, और इस बार इन्होंने इसमें लाइटिंग दी गई है। लाइटिंग आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगी, और इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। गाइस, ये देखने में तो मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगी। गाइस, जो भी आपको लाइटिंग इसमें से बेस्ट लगे, आप उसको सेट कर सकते हैं और उसको अपने अनुसार चला सकते हैं। गाइस, ये कंट्रोल आपके पास रहता है इस तरीके से चेंज करने का, जिस तरीके से मैं अब आपको चेंज करके दिखा रहा हूं। और गाइस, अब बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो इस बार इन्होंने डिस्प्ले इसकी थोड़ी सी बढ़ा दी है, थोड़ी बड़ी करके डिस्प्ले दी गई। जो इसकी डिस्प्ले का साइज है 6.78 इंच फुल HD डिस्प्ले है गाइस, और इसमें आपको 120Hz से अब बढ़ा दिया गया है। इसमें 144Hz का रिफ्रेश रेट आपको मिलने वाला है, जिससे आपका स्मार्टफोन और स्मूथ चलने वाला है, ठीक है। और गाइस, इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है इसका 94.3% इसका बॉडी रेशियो मिलेगा। और गाइस, बात करें इसकी ब्राइटनेस निट्स की, तो इसमें दिया गया आपको 1300 निट्स की ब्राइटनेस आपको दी गई, और ये स्मार्टफोन मिलने वाला आपको एंड्रॉइड 14 के साथ। और गाइस, बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें मिलता है आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 का प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसकी रैम और रोम के बारे में। तो रैम आपको मिलने वाली है इसमें 8GB रैम, और मेमोरी मिलने वाली है आपको 256GB मेमोरी। और अगर हम नजर डालें इसके कैमरे पे, तो रियर कैमरे में आपको ट्रिपल कैमरा यहाँ पर दिखाई देता है। 108 मेगापिक्सल का वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा है आपका, और 2 मेगापिक्सल के इसमें और कैमरे दिए गए हैं। इसमें मिलता है आपको क्वाड LED फ्लैश, यानी कि आगे भी पीछे भी आपको दोनों जगह यहाँ पर फ्लैश दिखने वाला है। और गाइस, ये आपकी 4K तक की वीडियो को रिकॉर्डिंग कर देगा, ठीक है। और बात करें इसकी फ्रंट सेल्फी कैमरे की, तो इसमें आपको मिलने वाला है 32 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिलने वाला है आपको इसमें, और इससे आप 2K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे। अगर बात करें इसके बैटरी के बारे में, तो इसमें भी आपको 5000mAh की बैटरी दी गई है, और इसके साथ ही आपको दिया गया है 45W का चार्जर। और ये स्मार्टफोन वाटरप्रूफ भी है, इसमें आपको IP रेटिंग देखने को मिलेगी 54। गाइस, एक बात तो पक्की होने वाली कि ये स्मार्टफोन जैसे ही लॉन्च होगा, और जो फीचर्स हमें और देखने को मिलेंगे इसके लॉन्चिंग के बाद गाइस, वो बिल्कुल गजब के होने वाले हैं। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि हम GT10 Pro और ये जो आया है GT20 Pro को हम कंपेरिजन करें, कंपेरिजन वीडियो बनाए इसके ऊपर, तो आप मुझको कमेंट में बताओ कि आप इसकी कंपेरिजन वीडियो बनाओ, ठीक है। तो मैं इस पर कंपेरिजन वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। और गाइस, इसकी जो प्राइस रहने वाली है 20 से 25 हज़ार रुपए के बीच में रहने वाली है। गाइस, इसी के साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपना नाम जरूर बताएं।